जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने मंगलवार को नगर निगम परिसर में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दृष्टिगत नगर निगम भवन व कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नगर निगम परिसर में मंगलवार को विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे तथा उनके आगमन पर नगर निगम परिसर को पूरी तरह से रंग बिरंगे कपड़े व लाइट से सजाया गया है। इसके साथ साथ जिस रास्ते से मुख्यमंत्री नगर निगम परिसर में आएंगे उन रास्तों पर सजावट की व्यवस्था की गई है तथा जगह जगह होर्डिंग बैनर लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से नगर निगम परिक्षेत्र में जो विकास की गंगा बह रही है उसमें और तेजी आएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, इससे जुड़ा हुआ हमने सर मीटिंग होगा सर। हम आइए जैसा कि अवगत कराया गया है, कल माननीय मुख्यमंत्री जी नगर निगम परिसर में गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र में संचालित विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के संदर्भ में यहां पर आ रहे हैं और उनके आगमन को देखते हुए नगर निगम परिसर को पूरी तरह से सजाया गया हुआ है। इसमें चूंकि बड़ी भारी भीड़ आने की पूरी संभावना है, उसके लिए 3000 से ऊपर कुर्सियां लगाई गई हैं। मंच पे कम से कम 20 से 25 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इसके साथ साथ जब माननीय जी आएंगे तो पूरे रास्ते पे जगह जगह उनके आगमन पर सजावट की व्यवस्था की गई है, होर्डिंग बैनर्स लगाए गए हैं और सब कुल मिलाकर जो 267 करोड़ से ऊपर की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होगा, निश्चित रूप से उससे एक जो गोरखपुर नगर निगम है और गोरखपुर नगर निगम परिक्षेत्र में जो विकास की गंगा बह रही है उसमें और भी तेज़ी आएगी। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक जो सपना है, यूपी में ही नहीं वरन पूरे देश के जो टॉप 10 सिटी हैं उनमें गोरखपुर को लाना, निश्चित रूप से उसकी तरफ एक बढ़ा हुआ कदम आप लोग को देखने में आएगा। और सब मिलाकर एक प्रयास किया जा रहा है कि जो ये फेस्टिवल सीजन है, माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के द्वारा गोरखपुर वासियों को जो एक दीपावली की पूर्व उस पर कह सकते हैं जो एक सौगात दी जा रही है, वो निश्चित रूप से गोरखपुर के जो विकास में एक बहुआयामी एक मील का पत्थर साबित होगी।